हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बात कर रहे हैं जी मेरी जान, बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर? मैं मियां जनों से बात कर रहा हूँ। गंभीर, मुझे ये जानना था कि जो होती है यानी को कट्टी, ये कितनी एज में यानी कि पैदा होने के बाद ये माँ बनती है? ये जो कट्टी होती है अच्छा, क्यों, कितने साल की हो गई आपकी? ओ अल्लाह अकबर, ये कट गई काल। अभी एक कॉलर, उनकी काल कट गई। उन्होंने सवाल किया कि जो भैंस की कट्टी, उन्होंने कहा यानी कि झोटी जो होती है, उसकी पहली बार बच्चा देने पर उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मेरी जान, हमारे पास दो निहायत अहम नस्लें हैं भैंसों की। एक है नीली रावी और दूसरी है कुंडी। कुंडी जो है वो सिंध की है और नीली रावी पंजाब में की है और बहुत दूध देने वाली। ये दो बड़ी हमारे पास ब्रीड्स हैं। नीली रावी की पहली बार बच्चा देने पर औसत उम्र जो होती है ना, जो वो उसकी होती है 1390 दिन, 1390 दिन होती है। अब 30 से तकसीम कर लें, फिर पता चल जाएगा कि कितने महीने कितने दिन बनते हैं। और इसकी दूध का देने का जो औसत अरसा होता है ना, एवरेज लैक्टेशन पीरियड हम इसको कहते हैं, वो 322 दिन होता है। और दूसरी रही कुंडी। कुंडी की पहली बार जब झोटी बच्चा देती है तो उसकी औसत उम्र होती है 1640 दिन, यानी नीली रावी की 1390 और इसकी पहली बार कुंडी की पहली बार बच्चा देने पर औसत उम्र होती है 1640 दिन। और दूध देने का औसत अरसा इसका होता है 325 दिन। इंशाल्लाह ताला, चूंकि आपने ये सवाल मुख्तसर सा किया तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आइंदा किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोनों का मुआजना करके बताऊंगा कि दूध का इनमें कितने औसत जो होता है ना, पूरे लैक्टेशन में कितना दूध देती हैं, और इन दो जो लैक्टेशन पीरियड्स होते हैं, एक बच्चा एक जन्म दिया तो दूसरा बच्चे के दरमियान में कितना दिन का जो है वक्फा होता है, वो भी मैं दोनों का मुआजना करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में, अगर मैंने पहले ऑलरेडी प्रोग्राम नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो वो भी देख लें, लेकिन नया कर दूंगा मेरी जान, फिक्र नहीं करना। फीमा अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं। उन्वान है इज्तमाई खाने की बरकत। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशादे ग्रामी है, दो आदमियों का खाना तीन आदमियों के लिए काफी हो जाता है और तीन का खाना चार के लिए काफी हो जाता है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। हेलो, सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर बताया नहीं आपने? जी मेरी जान, आपका टेलीफोन कॉल ही कट गई तो मैं तो बता दिया था, तो आपने सुना ही नहीं है। मैंने बताया नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर दिया है, सुनना आपने नहीं सुना। चलो बताया नहीं आपने नहीं आपने। नहीं आप प्लीज पहले आप अपनी बात जो है ना उसको सही करें प्लीज। आपने कहना था कि मेरी सॉरी, मेरी कॉल कट गई। आपने कहा मुझे आपने बताया नहीं है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं रिकॉर्ड, चूंकि आपने तो चले गए, आपने तो बंद कर दिया, अब मेरा आप इंतजार करें उसकी जो है ना रिकॉर्डिंग, उसका इंतजार करें। वो जो अपने वक्त पे इंशाल्लाह जब अपलोड हो जाएगी तो सारा आपको उसमें पता चल जाएगा कि कितनी एज में ये जवान होती हैं। हेलो,
हद हो गई है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।